बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज की जो डिश बनने जा रही है वो मेरी खैर मिसेज ही बताएंगी, लेकिन ये है कि ये देखा ना आपने, ये आपने गौर नहीं किया, हमने तकरीबन इस पूरे वीक में सालन मेरे ख्याल में बनाने के लिए हंडिया की तलाश जारी रखी और आज हमें देख लें आपके लिए ये हम लोग सब कर रहे हैं कि हमें हंडिया जो है ना मिट्टी की ये मिल गई है। ठीक है, और ये अमेरिका में मिट्टी की हंडिया मिलना ये बहुत ही बहुत एक अचीवमेंट है हमारी, लेकिन हमने ढूंढ लिया है, मिल गई है, भले जितने के भी मिली है लेकिन हमने इसको खरीदा है सिर्फ आप लोगों को, आप बहन भाइयों को अच्छे से अच्छे खाने दिखाने के लिए हम लोग ये जो ना हंडिया जो तलाश की है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने जुमान में रखे, खैरियत से रखे और हमें भी दुआ में याद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सी हंडिया, क्योंकि इसकी मुझे फरमाइश आई थी कि आलू बैंगन बनाए, तो उसकी मैं हंडिया की तलाश में थी, मुझे हंडिया मिल गई है, काफी कोशिश के बाद हंडिया मिली मुझे। तो ये सिंपल सा खाना है, ये सिंपल सा सालन है, ये रेगुलर मसाले इसके, तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। तो इसमें अब जाएगा ऑयल, जाएगा एक प्याली ऑयल की है और एक प्याज है बड़े साइज का और तीन बड़े टमाटर है, क्योंकि बैंगन में टमाटर ज्यादा डालते हैं हम लोग, अच्छे लगते खट्टे। और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और वही मसाले जो है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच गर्म मसाला, आधी चम्मच ये कुटा हुआ जीरा। और इसके बाद ये तीन अदद आलू लिए मैंने और ये दो बैंगन है, इसमें से मैं एक के छिलके उतारूंगी और एक को मैं अब छिलकों के साथ बनाऊंगी, क्योंकि छिलकों के साथ दोनों बनेंगे फिर काला काला सालन हो जाता है, तो इसको मैं एक छिलका उतार दूंगी। तो इसके बाद फिर मैं आलू ये तीन अदद, ये धनिया ऊपर गार्निश के लिए, हरी मिर्चें, धनिया और अदरक ऊपर डिश के जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इधर तो फर्स्ट टाइम ही हंडिया में बनना सालन है। ये बस इसमें प्याज मैंने डाल दी है, अब प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। मैं प्यारे कटे हैं, कच्चे खाने में दिल कर रहा है। इस तरह मैंने गोल काट दिए, आलू भी इसी तरह काट के। कुछ लोग बैंगन फ्राई करके बनाते हैं मसाला भून के, मैंने फ्राई नहीं मैं कर दूंगा, वैसे ही बनाऊंगी मसाला भून के आलू बैंगन वैसे ही। हंडिया को मैंने दो दिन से पानी डाल के रखा हुआ था इसमें। अच्छा, पानी में भिगोई हुई थी, इसको दो दिन पानी डाला, पानी फुल भर के। वो क्यों? वो फिर फटती नहीं है हंडिया, चिटकती नहीं है। अच्छा, टूटने का खतरा नहीं है। वेरी गुड, इसमें पानी डाल दिया, चटने की नहीं है। प्याज हमारा थोड़ा टाइम लगता है इस पर, एक दफा गर्म हो जाएगी फिर फटाफट बन जाएगी। लेकिन एक चीज है, मैंने जब भी हंडिया का सालन खाया ना वो नहीं भूलता, उसका जायका, तो आज बहुत मजा आएगा हमें खाने का भी। ये आलू भी मैंने डाले गोल ही, इस साइज के मोटे आलू डाले, मोटे मोटे काट के। ये बैंगन है, मैंने एक का छिलका उतार लिया, एक छिलके के बगैर है, तो एक छिलके वाला है। और टमाटर भी मैंने गोल ही काट के रखे हैं, तीन टमाटर है मेरे पास, हर चीज गोल, जमीन भी गोल है। टमाटर तीन है। ये देखें, हमने जुगाड़ लगाई है, ये देखें, क्योंकि इसका जो पेंदा है ना नीचे से वो पूरे गुलाई की तरह नहीं था, तो उसके ऊपर बैठ नहीं रहा था, तो हमने फिर ये एक स्टोन रखा है नीचे, देखें। ये प्याज हल्के हल्के आंच पे हो रहा है। हमने इससे पहले एक मिक्स्ड वेजिटेबल की वीडियो भी जो है ना अपलोड की हुई है, तो आप उसको देखें। देखें हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, हल्का हल्का सा हो गया कलर इसका चेंज, बस हमें और 5 मिनट के बाद ये सारे मसाले वगैरह टमाटर वगैरह डाल देंगे इसमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन हो गया हल्का सा कलर। तो ये इसमें मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच, इसमें जरा टाइम लगता है गर्म होते हुए, तेल भी और ये प्याज भी,
बस इसमें मैं ये टमाटर भी डाल दूँगी, 5 मिनट के बाद टमाटर जाएंगे, मसाले जाएंगे, फिर सब्जी डाल दूँगी। अदरक की फ्राई हो चुकी है, अब ये मसाले जो मैंने सारे साथ ही एक साथ डाल दिए। इसमें रेगुलर मसाले जाते ज्यादा है। खुशबू बड़ी प्यारी जबरदस्त। ये देखिए टमाटर भी चले गए साथ ही। वाह, ये मैंने अदरक काट के रखा है, थोड़ा सा आधी इंच का टुकड़ा है ये मैंने स्लाइस करके, इसके लिए थोड़ा सा खुशबू के लिए। ये देखिए अब इसको जरा थोड़ा सा प्याज टमाटर गलेंगे, इसको टाइम देंगे। चल भाई तेरी भी बारी आ गई। इसी तरह से मलाई हो गई, इसकी ऑयल ऊपर आ चुका है इसके। अब इसमें बैंगन डाल दूंगी, बिस्मिल्लाह। है ते आऊं जलेबियां पै रही हैं हांडी च। वाह वाह क्या बात है, मैं मेनू बड़ा मजा आया। ऑफ कोर्स नाजरीन जो देखेंगे ना वीडियो को वो भी इंजॉय करेंगे। अभी खैर हमारे तो इतने नहीं है व्यूअर्स, कोई नहीं, अल्लाह करेगा हो ही जाएंगे इंशाल्लाह कदे ना कदे। असीं तो हैरान होने हैं जिहड़े लोग फेमस नो वो अपने किसी रिश्तेदार का नाम पाते ना जी इन लाइक करना, दूजे दिन असीं उठ के वेने वो 5000 लाइक हो जाते हैं और साडा कदों इस तरह होएगा। बैंगन मैंने डाल दिए, थोड़ी सी आंच इसकी हल्की कर दूंगी और इसको ढकना दे दूंगी। आलू मैंने बाद में डाल दिया, आलू 10 मिनट के बाद डालो। अब ये बैंगन थोड़े से बैठ जाएंगे तो फिर मैं इसको क्या थोड़े आराम करेंगे बैठ जाएंगे कुछ चेर शेर दे दे बैंगन को भी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है ये देखिए बैंगन की। पूरे में छिलकों वाले काट लो, फिर खाना जो है ना काला काला सालन हो जाता है। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए हम अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बस ये है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को या शेयर कीजिए वीडियोस अपने दोस्त है बाप को। 1-2 घूंट पानी के डालूंगी। अच्छा, ओह माय गॉड, ये कलर कितना खूबसूरत कलर है नाज़रीन, देखे मैंने क्लोज किया कैमरा, ये देखो ये थोड़े से बैंगन हो जाएंगे तो फिर इसके बाद मैंने ये आलू डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हमारे बैंगन हो गए हैं, ये देखिए अब ये हल्की आंच पे पक रहे हैं, इसके साथ ही मैं अब आलू भी डाल दूंगी। मेरे ख्याल मुझे वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बताएंगे। नाज़रीन कमेंट्स दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये हमारा जो आज का खाने का अंदाज है कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल सा है, आसान है, बिल्कुल आसान। राइट, ये देखें जी क्या खूबसूरत डिश बनने जा रही है, और लगता है कि इंशाल्लाह खाने में भी है इंशाल्लाह अच्छी होगी। आप रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। मैं तो चावलों के साथ फिर वो बगैर चम्मच के खाऊंगा, खाता भी इसी ये जो खास आइटम है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ, और सब्ज़ मिर्च और धनिया और चटनी उसकी अनारदाने के साथ। वो इसमें आप टमाटर ज़्यादा डालें, खट्टे बैंगन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पक्के हल्की आंच पे आलू भी गलेंगे, इसकी आज तक खुद ही बुनाई हो जाएगी। माशाल्लाह 10-15 मिनट के बाद उतार लेंगे। ग्रेट माशाल्लाह जी, देखें तकरीबन अब तो आखिरी मरहल में है। 10-15 मिनट बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें हमारा आलू बैंगन की सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ढाबा स्टाइल आलू बैंगन बनाए मैंने, ढाबा स्टाइल की। बिल्कुल ऑफ कोर्स किसी भी रेस्टोरेंट ढाबा से कम नहीं है ये इंशाल्लाह ताला, आपको इस अच्छा ही जायका मिलेगा। ये इसके ऊपर से धनिया डाल दिया मैंने, ये 2 हरी मिर्च डाल दी ऊपर। वाह वाह मिर्चा में क्या दिया, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखे कितनी देर तक ये हंडिया पकती रहती है ना, कि मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया फिर भी देखे कैसे पक रही है। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये देखिए वो छिलकों के साथ बैंगन ज्यादा डाल दें और फिर सारा काला हो जाता है। फिर इसमें थोड़ा सा छिलका उतार लें, एक दो बैंगन का छिलका रहने दें बीच में। माशाल्लाह देखें, ये हम फाइनल टच दे रहा हूँ मैं ये वीडियो में, आप देख रहे हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल कैमरे को क्लोज कर रहा हूँ, देखें देखिए जी माशाल्लाह। अभी इसको मैं आपके सामने आऊंगा इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें मेरा वीडियो को क्लोज करें सारे उनकी, देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी इसका आलू मेरे से गिर गया, लेकिन ये मैंने छोड़ना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। देखें ये बिल्कुल, ये जो अपना तैयार है हमारी भांडी, इसमें आलू बैंगन जो हमने बनाए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी जो रेसिपीज हमारी आती रहे।